तो वो कैसे निकलेगा? पहले इसको डी वाई और ये जो एक्स और वाई है इसको डिफरेंशिएट करके, तो पहले हम डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू निकालें, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करें। देखो ये हमारे पास कांस्टेंट है और वन का डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो आएगा, और यहाँ पे क्या बचा है, माइनस साइन बचा हुआ है, और कॉस टी का डिफरेंशिएशन कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ए साइन टी बचेगा। और उसके बाद क्या, डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू निकाले, ठीक है। तो देखो ये किसके बराबर होगा, ए बाहर है उसको कांस्टेंट को बाहर ही रखो, और क्या टी है तो टी का टी के रिस्पेक्ट में वन, ठीक है, प्लस, और क्या है साइन टी, साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस टी होता है। फिर क्या करेंगे, डी वाई अपान डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, वह कैसे निकलेगा, डी वाई अपान डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी का वैल्यू से, ठीक है। तो डी वाई अपान डी टी कितना है ए साइन टी है, और डी एक्स अपान डी टी कितना है ए वन प्लस कॉस टी है, ठीक है। तो ए से ए कैंसिल हो गया, बचा किस, बचा क्या सिर्फ हमारे पास साइन टी अपान वन प्लस कॉस टी। थोड़ा सा नोट करो, जगह बनाते हैं। तो देखो आपने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े होंगे, जैसे साइन टू थीटा का वैल्यू कितना होता है, वो होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टी यूज हो रहा है, तो जहां पे थीटा है वहां पे हम टी कर लेते हैं, तो टू साइन टू टी का फॉर्मूला किसके बराबर होगा, टू साइन टी कॉस टी के बराबर, ये हो गया इसके फॉर्म में। तो देखो जब साइन के साथ यहाँ पे टू टी जुड़ा होता है तो यहाँ पे टी आता है, यहाँ पे टी आता है। जैसे हम बात करें साइन फोर टी के बारे में, तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, टू साइन टू टी कॉस टू टी के बराबर। जितना यहाँ पे साइन के साथ थीटा दिया रहता है उतने का आधा यहाँ पे साइन के साथ और कॉस के साथ आता है। तो अगर हम साइन टी का फॉर्मूला बनाए तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा साइन टू साइन, जहां जितना ये दिया रहे उतने का आधा टी बाई टू कॉस टी बाई टू के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन टी की जगह हम ये वैल्यू यूज कर सकते हैं, तो कितना है हमारे पास टू साइन टी बाई टू और क्या कॉस टी बाई टू, ये हो गए ऊपर वाले के बाद। अब नीचे क्या है, नीचे हमारे पास है वन प्लस कॉस टी, ठीक है। तो देखो वन प्लस कॉस टी का हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ, अरे यार एक सेकेंड, देखो यार वन प्लस कॉस टी का फॉर्मूला या फिर कॉस थीटा की फॉर्मूले की बात करें तो वो किसके इक्वल हमने पढ़ा हुआ है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ये सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप याद कर लो, ठीक है, हमेशा ये यूज होंगे। तो वन प्लस कॉस जहाँ पे थीटा है वहां पे हम टी कर लेते हैं, तो वन प्लस कॉस टी का हमारे पास वैल्यू मिल जाएगा, उसको क्या कर लेते हैं यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो ठीक है। तो वन प्लस कॉस टी की जगह टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू, तो देखो टू से टू कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कॉस टी बाई टू है उससे ये एक कॉस टी बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ बचेगा ऊपर साइन टी बाई टू, और क्या नीचे बचेगा हमारे पास कॉस टी बाई टू। तो देखो साइन अपन कॉस मतलब क्या, टेन बचेगा, मतलब हमारे पास टेन टी बाई टू बचा, टेन टू टी बाई टू मतलब क्या, हमारे पास डी वाई अपान डी एक्स का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास डी वाई अपान डी एक्स का वैल्यू मिल गया, इसको क्या करते हैं अपने ओरिजिनल जो इक्वेशन है टेंजेंट का उसके अंदर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है टेंजेंट का, वाई माइनस फाइव टी, वाई माइनस फाइव टी, फाइव टी क्या है ये वाला वैल्यू, ये क्या है एक्स इज इक्वल टू एफ टी है, वाई इज इक्वल टू फाइव टी है, तो फाइव टी कितना हमारे पास ए वन माइनस कॉस टी के बराबर, ये हो गया इज इक्वल टू ये डी वाई अपान डी एक्स मतलब क्या, डेल फाइव टी अपान एफ फाइव डेल डैश टी अपान एफ डैश टी, वही वैल्यू डीवाई बाई डी एक्स है, ठीक है, किसके बराबर है टेन टी बाई टू के बराबर, और क्या एक्स माइनस एफ टी, एफ टी का वैल्यू किसके बराबर है ए ए और क्या टी प्लस साइन टी के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, अब क्या करना है इसको सिर्फ सॉल्व करना है, हमको एक और फॉर्मूला क्या पता है वन माइनस कॉस टी का फॉर्मूला, ठीक है। देखो जो वन प्लस कॉस टी का फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉस टी वो किसके बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू के बराबर,
और जो वन माइनस कॉस टी का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है टू साइन स्क्वायर टी बाई टू के बराबर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी बाई टू आया, यहाँ पे माइनस हो गया तो यहाँ पे टू साइन स्क्वायर टी बाई टू आया। ठीक है, तो वही हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। तो हमारे पास है वाई माइनस और यहाँ पे ए वन माइनस कॉस टी की जगह टू साइन स्क्वायर टी बाई टू। ठीक है, और क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड में है टेन टी बाई टू और क्या है यक्स माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो यक्स माइनस ए टी और यहाँ पे माइनस ए इस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस ए साइन टी के बराबर हो जाएगा। इतना हो गया। अब करते क्या है ये टेन को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास वाई माइनस ए टू साइन स्क्वायर टी बाई टू चल ही रहा है और ये क्या हो गया ये हो जाएगा यक्स टेन टी बाई टू और क्या माइनस ए टी टेन टी बाई टू और क्या माइनस ए साइन टी और क्या टेन टी बाई टू। इतना हो गया, नीचे तक दिख रहा है, चलो दिख रहा है यहाँ पे। और क्या कर लेते हैं देखो ये वाला टर्म, ये टर्म और ये टर्म, इसमें से क्या कर लेते हैं टेन टी बाई टू को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारे पास यूज। अब इसको रफ कर दो तो हमारे पास यहाँ पे क्या चल रहा है वाई माइनस ए टू साइन स्क्वायर टी बाई टू इज इक्वल टू क्या चल रहा है, इन दोनों में से हमने टेन टी बाई टू, टेन टी बाई टू को कॉमन निकाल लिया है तो हमारे पास बचा क्या अंदर, हमारे पास बचा यहाँ से यक्स बचा और यहाँ से क्या बचा माइनस ए टी बचा और क्या यहाँ पे अंदर क्या है माइनस ए और क्या साइन टी और टेन टी बाई टू इतना बचा। ठीक है, करते क्या नीचे का रफ कर देते हैं। ठीक है, नोट कर लो पहले। देखो यार ये वाला अलग था और ये बाहर वाला अलग चल रहा था। ठीक है, क्योंकि कॉमन सिर्फ इतने में से ही निकाला था ना। तो देखो आपको एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पता होगा साइन थीटा और टेन थीटा बाई टू का, वो किसके बराबर होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू के बराबर होता है। तो ये वैल्यू क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है वाई माइनस ए टू साइन स्क्वायर टी बाई टू है और राइट हैंड साइड में क्या है टेन टी बाई टू और क्या है यक्स माइनस ए टी है और क्या माइनस ए, और इसके जगह क्या कर लेते हैं हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ए साइन टी टेन टी बाई टू का मतलब यहाँ पे भी टी कर दो और यहाँ पे भी टी कर दो तो यहाँ पे भी टी हो जाएगा। ठीक है, तो किसके बराबर आ गया टू साइन स्क्वायर टी बाई टू के बराबर। तो देखो यहाँ पे माइनस टू ए साइन स्क्वायर टी बाई टू है और यहाँ पे भी माइनस टू ए साइन स्क्वायर टी बाई टू है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास बचा क्या y इज इक्वल टू टेन टी बाई टू यक्स माइनस ए टी बचा। ठीक है, यही हो गया हमारा टेंजेंट का इक्वेशन। कहाँ पे साइक्लोइड के ऊपर वो पॉइंट कौन से पॉइंट यक्स इक्वल टू यफ टी और y इज इक्वल टू फाइ टी, जहाँ जिसका कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, नोट कर लो।